हेलो, दिस इज आस्था त्रिपाठी एंड आज से मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आने वाली हूँ इंडियन लॉजिक या भारतीय दर्शन शास्त्र की। बिकॉज अगर एनटीए की बात करें तो एनटीए ने जब से पेपर लेना स्टार्ट किया है, एनटीए ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र को, और यहाँ से इस टॉपिक से 3 to 4 क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं, जो कि बेसिक लेवल के भी होते हैं एंड एडवांस लेवल के भी होते हैं। तो इस पूरी सीरीज में मैं इंडियन लॉजिक को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंडियन लॉजिक की, तो हमारा जो भारतीय दर्शन शास्त्र है इसके 4 चरण होते हैं, यानी कि 4 लेवल्स होते हैं। जो फर्स्ट है दैट इज वेदास, सेकेंड वन इज ब्राह्मणास, थर्ड वन इज अर्यंक एंड फोर्थ वन इज उपनिषद। देखिए ये जो नाम है ये हिंदी में या फिर संस्कृत में ही आपको मिलेंगे, इसका कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है, तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। बट मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको ये सारे टर्म्स एग्जैक्टली क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ वेदास की, तो पहले के टाइम पे यानी कि प्राचीन काल में क्या होता था, जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को जब शिक्षा दिया करते थे तो वो मंत्रों के थ्रू दिया करते थे, यानी कि मंत्र और श्लोक जो होते थे वो ही कन्वर्सेशन का एक मीडियम होते थे। ठीक है, तो जो हमारे वेदास हैं, वेदास में क्या है, इन्हीं मंत्रों को कलेक्ट करके रखा गया है कहाँ पर, वेदास में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड ब्राह्मणास की, तो ब्राह्मणास में इन्हीं मंत्रों को एक्सप्लेन किया गया है, जो मंत्र वेदास में रखे गए हैं उन्हीं मंत्रों को एक्सप्लेन कहाँ पर किया गया है, ब्राह्मणास में। फिर उसके बाद आता है अर्यंक, अर्यंक में ये जो मंत्र ब्राह्मणास में एक्सप्लेन किए गए हैं इन्हीं मंत्रों पे बहुत गहन चिंतन किया गया है, मतलब डीप थिंकिंग है हर एक मंत्र पे, और उसी का कलेक्शन कौन है, अर्यंक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्राह्मणास का एक इनरिच्ड वर्जन कौन है, अर्यंक है। ठीक है, हर एक मंत्र पे डिटेल थिंकिंग की गई है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की गई है, गहन चिंतन है, और उन्हीं का कलेक्शन कौन है, अर्यंक है। फोर्थ वन इज उपनिषद। तो जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं, तो उन्हीं सवालों का कलेक्शन या फिर उनसे रिलेटेड जो भी जवाब है या फिर उन पर जो चर्चाएं हुई हैं उन सवालों पर, उन सभी का कलेक्शन कहाँ पे है, उपनिषद में है। तो ये था आज का लेसन जिसमें कि हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र है उसको 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, वेदास, ब्राह्मणास, अर्यंक एंड उपनिषद, और हर एक चरण की अपनी कुछ स्पेशलिटी है, और किस तरीके से किस चरण में किन चीज़ों का कलेक्शन है ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारी इस सीरीज के साथ आप जुड़े रहिए, बिकॉज इसमें मैं हर एक टॉपिक को अच्छे तरह से कवर करने जा रही हूँ। थैंक यू।